Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के हमलों के तुरंत बाद इसराइली खुफिया अफसरों ने अपने एक और दुश्मन हिजबुल्ला के खतरे को भांप लिया था। उसी दिन से इसराइल ने हिजबुल्ला के खतरे से निपटने और हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला को मार गिराने की तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन जब इसराइल ने व्हाइट हाउस को अपनी योजनाओं के बारे में बताया तो अमेरिका ने कहा कि हिजबुल्ला पर अभी हमला न करे। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया और कहा कि नसरल्ला को मारने से युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन इसराइल ने प्रयास जारी रखा और शनिवार 28 सितंबर को घोषणा कर दी कि उसने लेबनान में लड़ाकू विमानों द्वारा 80 से ज्यादा बम गिराने के बाद नसरल्ला को मार गिराया है। बताया गया कि इजरायली खुफिया एजेंसियों ने नसरल्ला के ठिकाने का पता लगाया था। इसराइल की खुफिया एजेंसी यूनिट 8200 ने हिजबुल्ला के सेलफोन और दूसरे संचारों को रोकने के लिए हाईटेक साइबर उपकरण बनाए। महत्वपूर्ण जानकारी वायुसेना को तुरंत देने के लिए टीमें बनाई। इसराइल ने हिजबुल्ला के गढ़ों की लगातार तस्वीरें और इमारतों में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव का दस्तावेजीकरण करने के लिए लेबनान के ऊपर ज्यादा ड्रोन और अपने सबसे उन्नत उपग्रह को उड़ाना शुरू कर दिया। हिजबुल्ला पर यूनिट 8200 की पैनी निगाह जनवरी 2020 से ही थी। हालांकि शनिवार को हिजबुल्ला द्वारा नसरल्ला की मौत की पुष्टि करने वाले बयान में ये नहीं बताया गया कि उसकी हत्या कैसे की गई और न ही ये बताया गया कि उसका अंतिम संस्कार कब किया जाएगा। सूत्रों की माने तो हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला की लाश पर सीधे हमले का कोई निशान नहीं मिला है। उधर इसराइली सेना के हमले अब भी जारी हैं। वो लेबनान में हिजबुल्ला के हथियारों के ठिकानों और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाकर नए हमले कर रही है।